दोस्तों, एचएल ट्रिकी जीके क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के महान शहीदों पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। कम से कम उनका हमें सन तो याद होना ही चाहिए कि कब और कैसे और कहां पर इनको फांसी दी गई, इतना तो पता ही होना चाहिए। आइए ट्रिक के माध्यम से इसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखते हैं। भारत के महान शहीद, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ट्रिक देखिए क्या लिखा हुआ है। खान साहब ने कहा रामनाथ सिंह को फांसी दिया जाए। 1927, जितने लोगों को फांसी दी गई है सबको 1927 में ही फांसी दी गई है। इससे ये क्लियर होता है कि सन 1927 में इतने लोगों को फांसी दी गई थी, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये चीजें याद नहीं हो पाती इसलिए परीक्षा में गलती होती ही रहती है। आगे बढ़ते हैं। खान का मतलब होगा अशफाक उल्ला खान को फांसी दी गई थी 18 दिसंबर 1927 को। कहां पर दी गई थी? फैजाबाद में दी गई थी। देखिए, अशफाक में भी फा है और फैजाबाद में भी फा है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 18 दिसंबर 1927 को। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। राम से होगा राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। कहां पर दी गई? गोरखपुर में दी गई थी फांसी। आगे बढ़ते हैं। नाथ लिखा हुआ, नाथ का मतलब राजेंद्र नाथ, नाथ से समझना राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई थी 17 दिसंबर 1927। कहां पर दी गई थी? गोंडा के जिला कारागार में इनको फांसी दी गई थी। क्यों दी गई? क्योंकि ये काकोरी कांड में शामिल थे, इसीलिए इनको फांसी दी गई। तो यहाँ से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा के लिए इसको याद करें। सिंह का मतलब होगा रोशन सिंह को फांसी कब दी गई? 19 दिसंबर 1927 में दी गई। सन सबका एक समान है, बस डेट अंतर है केवल बस। कहाँ पर फांसी दी गई थी? इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। तो इस तरीके से आप भारत के इन महान शहीदों को हमेशा के लिए आप याद कर सकते हो। अब इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। और दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़े और भी अच्छे वीडियोस हम बना सकें। धन्यवाद।